हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो सरकारी पेपर चैनल। दोस्तों ये जो वैकेंसी है CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों वैकेंसी जारी की गई। दोस्तों मल्टीपल पोस्ट पर मल्टीपल वैकेंसी होने वाली। दोस्तों जब ये जो वैकेंसी है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान की तरफ से वैकेंसी जारी की गई दोस्तों। दोस्तों इस फॉर्म की अप्लाई डेट जो है वो 23 फरवरी 2024 है और इसकी लास्ट डेट जो है 28 मार्च 2024 है। तो उससे पहले इस फॉर्म को दोस्तों फॉर्म अप्लाई जरूर कर लें दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है टेक्नीशियन के पदों पर दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। टोटल 28 पद हैं दोस्तों और 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी है, 27,248 रुपये अप्रॉक्स होने वाला है और 18 से 28 वर्ष एज लिमिट दी गई है दोस्तों। SC में 5 पोस्टें हैं, ST में 4 हैं, OBC में 5 है, EVS में 3 है, PWD में 2 हैं, OH में 1 है, IMD में 1 है, UR में 9 पोस्टें हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है क्वालिफिकेशन 10वीं प्लस ITI डिप्लोमा के आधार पर आपसे मांगा गया है। अगर आप किए हैं तो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है आप कर सकते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों फर्स्ट नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक। इसमें जो है UR के लिए 3 पोस्ट हैं, SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 2 हैं, EVS के 1 है दोस्तों। इसमें जो है सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कक्षा 10 पास 55% मार्क होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के पद पर है। तो UR के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के 1। दोस्तों इसमें भी वही मांगा गया है, हाई स्कूल से 55% अंक और ITI डिप्लोमा। दोस्तों तीसरी पोस्ट है टेक्नीशियन COPA के पद पर है दोस्तों। इसमें OBC में 1 है, PWD में 2 हैं, HOS में 1 है, IMD में 1 है। इसमें भी जो है 10वीं पास और ITI डिप्लोमा मांगा गया है तो आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों चौथी पोस्ट है टेक्नीशियन मैकेनिक्स रेफ्रिजरेटर्स, जिसमें जो है दोस्तों UR के लिए 2 हैं, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। उसमें भी वही सर्टिफिकेट मांगे गए, ITI प्लस 10वीं पास अगर आप हैं तो कर सकते हैं। और दोस्तों जो चौथी पोस्ट है टेक्नीशियन बिल्डर के पद पर UR में 1 है, EWS में 1 है, हाई स्कूल प्लस जो है ITI डिप्लोमा मांगा गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको होने वाला है दोस्तों वो जो है ट्रेड टेस्ट के आधार पर, रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। आपके 3 बार पेपर होंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होंगे। और दोस्तों इसमें जो है द क्वेश्चन विल बी द बोथ इन इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पूछे जाएंगे। SSC प्लस ITI प्लस 10वीं पास, 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा तो उस 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी भर्ती की जानकारी देते हैं। थैंक यू सो मच।